आज हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी। ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। वो इमीडिएटली आके बोला कि डिलीट करो। हाँ, वो मेरा गलती था। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का शूटिंग पॉइंट। हम लोग अभी फेरी वर्ल्ड एंटर कर चुके हैं। ये देखो गाड़ियाँ। Hey guys, welcome back to my new vlog. So आज हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी मतलब ये बहुत लेट हो गया आज, मतलब सोचा नहीं था इतना लेट होगा, तो आज लेट हो गया कुछ कारण की वजह से। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ये है कुछ लिफ्ट, उस साइड भी दबा दिया, इस साइड भी दबा दिया, जुगाड़। देखो ये लिफ्ट और ये कुछ व्यू। सो गाइस, अभी अबू धाबी एंटर कर चुके हैं, पर कल का ब्लॉग मेरा एडिट कर रहा था, मतलब 28 दिसंबर का ब्लॉग था। अभी ये देखो बैग में पूरा लैपटॉप था, अभी एडिट किया। अभी 90% एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है, 10% बाकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क ऑफ अबू धाबी, तो इसीलिए मैं लैपटॉप बंद कर दिया। अभी एंटर करने ही वाले हैं, सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है और बाकी। लेफ्ट हैंड साइड में अबू धाबी एयरपोर्ट है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में अबू धाबी एयरपोर्ट है, यहाँ पर प्लेन्स भी खड़ा हुआ है। ये देखो तो अभी बहुत करीब आ चुके हैं। अभी शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के बाद थोड़ा सिटी टूर होगा, उसके बाद फेरारी वर्ल्ड का भी है एंट्रेंस हमारा, वहाँ पर भी बहुत सारा ब्लॉग करेंगे। हम लोग मॉल एरिया में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर ग्रैंड मॉस्क यहाँ से अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब विजिटर के लिए यहाँ से कनेक्टेड है। ये देखो हम लोग अभी पहुँच गए ऊपर, वो सब सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करके जो भी रहता है फॉर्मेलिटीज वो सब करके अभी हम लोग एकदम ऊपर आ चुके हैं। ये देखो, ये देखो क्या सुंदर लग रहा है यार। ये 2009 में बनाया हुआ है, मतलब हम लोगों का ड्राइवर बोला, डोंट कोट मी ऑन दिस, मैं चेक करके नहीं आया हूँ, पर ड्राइवर ने बोला 2009 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। तो भाई ठीक है, पर हमारे टाइम में भी इंडिया में ताजमहल बनाया था हाथों से, ये तो आर्किटेक्ट है मशीन के द्वारा, हम लोगों का इंडिया में हाथ से बनाया हुआ था ताजमहल, ऐसा ही टाइप का है। यहाँ पर अभी एक चीज़ देखा, हैंड जेस्टर से कोई भी फ़ोटो नहीं लिया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी हैंड जेस्टर यूज़ नहीं होता, मतलब थम्स अप यो वगैरह कुछ भी नहीं। चिल जो दो उंगली दिखा के होता है वो सब जेस्टर्स दिखाया, इमीडिएटली सिक्योरिटी आ रहा है डिलीट करने के लिए, बोल रहा है वीडियो डिलीट करने के लिए या फोटो, मैं एक थम्स अप करके फ़ोटो खींचने गया, वो इमीडिएटली आके बोला कि डिलीट करो। हाँ, वो मेरा गलती था, यहाँ पर रूल्स है तो मानना चाहिए, मैं ऐसे ही कर लिया था, फिर मेरे को ही बाद में बुरा लगा, तो भाई अभी दिल से बुरा लग रहा है यार। तो गाइस ये देखो, ये है मॉस्क का अंदर, ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। क्या लग रहा है गाइस, भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और मेरे को ना बस बहुत मन है ये लोकल वाला ये सब ड्रेस पहनने का, जो वाइट वाइट का ड्रेस होता है ना, मेरे को बहुत मन है पहनने का, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ खरीदा जा सकता है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि भाई ये वाइट वाइट ड्रेस मेरे को पहनना है, जो सूट टाइप का रहता है, कल मेरे को पहनना है, कल डेजर्ट सफारी है और मतलब वो सुबह का फ्यूचर म्यूजियम है, दोनों में मेरे को पहनना है, तो कहीं ना कहीं से मेरे को जुगाड़ लगाना है आज।
अंदर का व्यू, अंदर का व्यू। सो अभी अंदर से आके मतलब घूम के आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की ओर, हमारी गाड़ी की ओर अभी बाहर निकल रहे हैं। ये है एग्जिट पॉइंट, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो इस साइड में पानी का पूल वाला मतलब पूल एरिया टाइप बना हुआ, ठंड महसूस होता है इसीलिए। तो यहाँ पर अंदर गर्मी महसूस नहीं होता है, ये इसका हवा जाता है, ठंड ठंड लगता है। और कुछ तो वेंटिलेशन किया हुआ है, बहुत ठंड ठंड है अंदर, मतलब बाहर बहुत गर्मी है पर अंदर बहुत ठंडा वेदर है। अभी ये देखो बाहर जा रहे हैं, अभी एग्जिट कर रहे हैं ये मॉस्क से। यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, शख्सी हुकूमत, एक ही फैमिली से एक ही बंदा आता रहता है। ये है अबू धाबी का किंग का पैलेस, ये है जो यहाँ से शुरू होता है। वहाँ तक है वो दूर है, इनके लिए एक नया पैलेस भी बना है सिटी के अंदर। ये देखो मेन एंट्रेंस ऑफ द अबू धाबी किंग पैलेस, ये देखो। ये देखो अबू धाबी का किंग का पार्लियामेंट ये है। ये देखो ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का शूटिंग पॉइंट, जो गाड़ी का टावर वाला सीन था इसी टावर में शूट हुआ। आम पब्लिक के लिए दूसरी साइड से एंट्रेंस है, अगर बुकिंग हो तो अंदर जाने देते हैं, विदाउट बुकिंग अलाउ नहीं करते। अगर एमिरेट्स पैलेस मेन एंट्रेंस है यहाँ का, ओनली फॉर किंग। तो यहाँ का यूएई का है उसकी तरफ से, ये पूरा सी वाटर पे बना हुआ है, बैक साइड में पूरा सी वाटर एरिया है, इसका बैक साइड से व्यू हमें दिखेगा। ये मेन एंट्रेंस है इस पैलेस की। तो अभी ये देखो हमारा गाड़ी, और यहाँ पर फोटो स्टॉप है इसलिए उतरे हैं, मतलब हम लोगों को बोला उतरो सर यहाँ पर फोटो वोटो खींच लो, बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये देखो व्यू बहुत अच्छा है, बिल्डिंग्स है यहाँ पर, ये भी है रास्ता यहाँ पर, इस साइड का पूरा बिजनेस एरिया टाइप का है पूरा। तो चलो अभी थोड़ा यहाँ पर फोटो वोटो खींचते हैं थोड़ा। तो ये देखो ये एक मरीना मॉल है, और दुबई की तरह ही यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉपी करके यहाँ पर बनाया। होटल का नाम क्या बताया? एक्सॉस होटल। और ये एक रिवॉल्विंग मतलब रेस्टोरेंट है, और वो किंग का नया वाला पैलेस फोकस फोकस। ये देखो हाँ, अब ये देखो हम लोग अभी फेरी वर्ल्ड एंटर कर चुके हैं, ये देखो। और ये यस मॉल, इसके बाजू में ही फेरी वर्ल्ड, तो यस मॉल से एंट्री लेके ही फेरी वर्ल्ड जाना पड़ता है। अभी आज ब्लॉगिंग में थोड़ा इशू होगा क्योंकि दोनों हाथ में कैमरा है, अंदर 45 राइड्स है, तो हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे, मतलब मैं और भाई फैमिली तो नहीं करेगा, इसीलिए 360 भी ले आया, कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ जाएगा। पर थोड़ा बहुत रिस्क भी लग रहा है क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में एक राइड है बोल रहा है, वो हम लोगों को करना है, उसमें एक बार कैमरा गिरा तो कहाँ पर गिरेगा मालूम भी नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग फेरी वर्ल्ड में आए थे ना, तो इसमें मॉल के नीचे रसोई घर नाम का एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आज थाली मिल रहा है 60 दिरहम में, मतलब 59 दिरहम में। क्या क्या मिल रहा है आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। ये देखो एक चना टाइप का मिलता है यहाँ पर, पनीर मिलता है, आलू का एक सब्जी मिलता है, दाल मिलता है ये मीठी दाल, यहाँ पर गाजर का हलवा, यहाँ पर स्वीट सा कुछ है, ये क्या बोला मेरे को नहीं मालूम। और ये भी एक हलवा टाइप, यहाँ पर पूरी, थेपला और ये पराठा, बस मतलब ये रोटी नान, ये ढोकला और यहाँ पर समोसा। इसके साइड से छाछ मिला है और कुछ तो देने वाले हैं, दो दो ग्लास का है। सो गाइस अभी हम लोग गाड़ी वर्क में घुसने वाले हैं, ये देखो एकदम सामने ही खड़े हैं, अभी अंदर जाएंगे और बाकी का जो भी होता है आप लोग देखते जाओ व्लॉग में। चलो ये देखो ये फेरी वर्ल्ड का अंदर है, और यहाँ पर एक गाड़ी है, मज़ा तो आ रहा है। ये देखो दूर में भी एक गाड़ी खड़ा हुआ, वो यहाँ पर एक गाड़ी है,
फ्लाइट का लोगो। और अभी हम लोग एडवेंचर भी करने वाले हैं, लेट्स गो। ये देखो गाड़ियाँ, फरारी का ये देखो, और एक वो, ये देखो चैंपियंस गाड़ियाँ हैं, ये सब फरारी का चैंपियन गाड़ियाँ हैं। ये देखो दिस इज द वन, अभी हम लोग यहाँ पर लाइन दिए हुए हैं रोलर कोस्टर के लिए। वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है अबू धाबी में, फरारी म्यूजियम में, और उसके लिए हम लोग लाइन दिया है। और लाइन का मिनिमम वेटिंग टाइम सुनोगे 1.5 घंटा मिनिमम वेटिंग टाइम। तो गाइस अभी 5:15 हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं फरारी वर्ल्ड से। भाई इतना बहुत बहुत हेक्टिक है, मतलब न्यू ईयर के टाइम दुबई आना एक तो ठीक है, दुबई में वो फायरवर्क्स को न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख सकते हो, अच्छा है, पर क्राउड भी उतना ही मिलता है हर जगह। मतलब जहाँ पर 1 घंटा वेटिंग करने से हो जाता है वहाँ पर 2.5-3 घंटा लग रहा है, मतलब समझ सकते हो ओवर क्राउडेड हो जाता है पूरा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि न्यू ईयर के लिए आ रहे हो तो मतलब वो सिर्फ न्यू ईयर का प्लान ही करना चाहिए, मतलब ये दुबई का बुर्ज खलीफा विज़िट, फिर फरारी वर्ल्ड विज़िट, ये सब करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसा दुबई आना न्यू ईयर के टाइम वर्थ इट है, वैसा ही यहाँ पर वो देखने के लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। मतलब वो टेबल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेबल बहुत कॉस्टली होता है। मैं 31 के ब्लॉग में बोल दूँगा, 31 दिसंबर का जो ब्लॉग होगा वहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा, वैसे मैं सब बताने वाला हूँ उस दिन। पर जितना वो टफ है उसके साथ साथ ओवर क्राउडेड है, घूमना भी बहुत मुश्किल है। सो गाइस अभी फरारी वर्ल्ड करके आ चुके हैं और भाई बहुत सिर में दर्द हो रहा है और मतलब पैर में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज होटल ज़्यादा जल्दी पहुंच गए, अभी 7:30 बज रहे हैं, होटल पहुंच चुके हैं और वीडियो अपलोडिंग में डाल दिया है, फ़ोन को भी चार्जिंग में डाल दिया है। आज थोड़ा रेस्ट लेने वाले हैं, मतलब अभी ये अपलोड करके दूसरा एक ब्लॉग है, मतलब आज का जो ये ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, मतलब फरारी वर्ल्ड का अबू धाबी का ब्लॉग, वो ब्लॉग एडिट करके कल के लिए शेड्यूल करके थोड़ा रेस्ट लेने वाला हूँ। वरना मतलब रात को मेरे को एडिटिंग करना पड़ रहा था ना, तो नींद का पूरा दही पापड़ समोसा हो रहा था, इसीलिए आज मतलब सब 11 बजे के अंदर करना है, 12 बजे के अंदर सोना है मेरे को। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए क्या क्या होता है देखते जाते हैं, अभी कुछ देर बाद निकलेंगे थोड़ा यहाँ पर सामने टहलने। तो अभी हम लोग ऊपर टेरेस पर आए थे, यहाँ पर ये हॉलीडे इन का टेरेस पर, ये देखो अटलांटिस दिख रहा है, यहाँ से नया वाला अटलांटिस भी दिख रहा है, यहाँ पर बुर्ज अल अरब और उस साइड बुर्ज खलीफा, ये देखो। खाना खाने आए हैं और यहाँ पर वाइब देखो, पूरा गाना गा रहा है यहाँ पर, पूरा ऐसा वाइब है। हम लोग घराना रेस्टोरेंट में आए थे और यहाँ पर कौन कौन आया था एक बार देखो, मतलब गाना हो रहा था ना यहाँ पर, देखो राहत फतेह अली खान जी, यहाँ पर अतीफ असलम जी, यहाँ पर ये देखो राहत फतेह अली खान का, और परेश रावल, यहाँ पर यशपाल शर्मा, हरिहरन, इतना सारा आर्टिस्ट आए थे। तो गाइस आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये देखो एक ब्लॉग मतलब दुबई का जो डे टू था उसमें मैं शेड्यूल कर दिया हूँ, और अभी ये अबू धाबी वाला ब्लॉग मैं शेड्यूल करने वाला हूँ। वैसे मैं एक दिन लेट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की वजह से थोड़ा मतलब बाहर चले गए थे तो अपलोडिंग नहीं कर पाए, और भाई नींद आ रहा था तो एक दिन सो गया था अचानक एडिटिंग करते करते, तो पूरा एडिटिंग कम्प्लीट नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लग गया, तो एक दिन स्लो चल रहा हूँ। पर मैं सोचा हूँ जो कल का है, कल हमारा डेजर्ट सफारी है, पर मैं वो चेंज करके हमारा 31 का ब्लॉग पहले दे दूंगा और डेजर्ट सफारी का ब्लॉग बाद में दे दूंगा, क्योंकि 31 का मतलब आप लोगों को भी क्रेज़ रहेगा ना कि 1 तारीख को सब वो मतलब रिसेंट वाला मिले, इसलिए मैं यही सोचा हूँ, देखते हैं क्या करता है, अभी ठीक नहीं है क्या करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये आज का स्वीट एंड सिंपल ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे आप लोगों को बहुत जल्द अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हबीबी, वेलकम टू दुबई।